प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है यीशु की कहानियां एपिसोड 16 में। मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं कि प्रभु ने मुझे और मेरी पत्नी को ये मौका दिया है कि आपके बीच में यीशु की भरपूर और प्यारी प्यारी कहानियां बांट सके। और मैं ब्रदर आशीष का और उसी प्रकार उनकी सारी टीम का जो इस पेज से जुड़े हुए हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ इस मौके के लिए। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो उसने हमें दिखाया है। और मैं आपको एक वचन में लेके जाना चाहूंगी जो लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 19 के 16 वचन में कुछ इस तरीके से लिखा है, उसके वस्त्र और जाग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। क्या लिखा है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आपको मालूम है ये कौन है? जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्या हम उसकी महिमा के लिए, जो हमारा राजा है, जो राजाओं का राजा, उसकी महिमा के लिए हम एक छोटा सा गीत लेंगे और फिर कहानियों को चालू करेगी यीशु की। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। हालेलुया। हम गा रहे थे कौन है, कौन है ये राजाओं का राजा, यीशु है वो राजाओं का राजा। क्या आपने कभी यीशु के बारे में सुना है? ठीक है, मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपके बीच में यीशु मसीह की कुछ बातें रख सकूं। यीशु जिसका अर्थ है छुड़ाने वाला, यीशु ये इब्रानी शब्द एक इब्रानी पुरुष का नाम है जिसका मतलब है छुड़ाने वाला, एक व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में आया जिसे परमेश्वर ने भेजा। और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का बेटा था जिसका नाम यीशु था। हालेलुया। जिसके बारे में हम गा रहे थे कि राजाओं का राजा, वो पानी पर चलता है, वो भीड़ को खिलाता है, शैतान उसके नाम से डरता है। ऐसी क्या खास बात है यीशु में कि शैतान उससे घबराता है? ऐसी क्या खास बात है यीशु में कि जिसकी महिमा हम करते हैं उसे हमारा राजाओं का राजा बनाते हैं? ठीक है, आपको पता है ये जो दुनिया, जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये दुनिया बनाने वाला परमेश्वर जिसका नाम बाइबल बताती है यहोवा है। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने दुनिया बनाई है। यहोवा परमेश्वर ने आपको, मुझको, इनको, हम सभी को यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। जब परमेश्वर यहोवा ने हमको बनाया था तो प्रभु ने हमें बनाने के पहले हमारे लिए सारी चीजों को बनाया था। बाइबल बताती है कि पहले ये जो इतनी सुंदर दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, ऐसी नहीं थी। इसका आकार बिगड़ा हुआ था, कोई रंग रूप नहीं था, कोई उजाला नहीं था। फिर परमेश्वर ने क्या करा पता है? ये आपको मिल जाएगा बाइबल की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक में। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने
यदि आप पढ़ोगे, यदि आप सुनोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने निर्मिति करी, परमेश्वर ने क्रिएशन करा। क्योंकि मैंने बताया हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर क्रिएशन का परमेश्वर है, तो वो क्रिएट करता है, वो बनाता है। तो उन्होंने इस पृथ्वी को, जिसका रूप बिगड़ गया था, प्रभु ने, प्रभु का आत्मा इस पृथ्वी पर मंडराता था, और प्रभु के आत्मा ने इस पृथ्वी को देखा कि इसका आकार ठीक नहीं है, यहाँ पर उजाला नहीं है, लाइट नहीं है। तो प्रभु ने क्या करा, उजाला बोला, उजाला होने लगा। प्रभु ने आकाश बनाया, प्रभु ने पृथ्वी बनाई, प्रभु ने पृथ्वी पर रोशनी देने के लिए सूरज बनाया, रात में रोशनी देने के लिए प्रभु ने चंद्रमा बनाया, तारे बनाए। फिर प्रभु ने अलग पानी को करा, जिसको समुन्द्र कहते हैं हम। प्रभु ने जमीन, जहां पर पानी जो सूखा भाग है उसको जमीन कहा। फिर प्रभु ने अपने मुंह से बोला, और प्रभु ने छोटे छोटे फल फूल, जिसमें अपने अपने बीज होते, बीज बीजधारी फल पर प्रभु ने उगवाए, बीजधारी फूल प्रभु ने उगवाए। फिर प्रभु ने क्या करा, जो पानी था, पानी में प्रभु ने मछलियों को बनाया, पानी में प्रभु ने जीवन बनाया। और जब प्रभु ने जीवन बनाया तो बाइबल बताती है, हाँ जी हाँ, बाइबल बताती है कि प्रभु ने आशीर्वाद दिया। हमारा प्रभु कितना प्यारा परमेश्वर है, नहीं कि बनाता है और सिर्फ छोड़ नहीं देता, पर बनाता है और उसकी देखभाल करता है, आशीर्वाद। तो प्रभु ने क्या करा, सब कुछ बनाया, और सब कुछ बनाने के बाद प्रभु ने आशीर्वाद दिया। अब प्रभु ने सब कुछ तो बना लिया था, सब कुछ पेड़ बन गए, पौधे बन गए, फसलें उगती थी, सब कुछ था, सब कुछ था, मछलियां थी, पशु पक्षी थे, जानवर थे, पर प्रभु ने इंसान नहीं बनाए थे अभी। तो फिर परमेश्वर ने क्या बात करी, आओ हम मिलकर हम मनुष्य को बनाए अपनी समानता में, अपने स्वरूप में। कैसे, अपनी समानता में और अपने स्वरूप में। तो फिर प्रभु ने क्या करा, अपने पवित्र आत्मा की मदद ली और अपने बेटे यीशु की मदद ली। हाँ, जिसके बारे में भी हम गा रहे थे, कौन है वो राजाओं का राजा, वो राजा जिसकी मदद से परमेश्वर पिता ने हमें बनाया है, हमको बनाया है, ठीक है। तो प्रभु ने जब बनाया मनुष्य को, जब आपको मुझको बनाया, तो प्रभु ने डिस्कस करा, और प्रभु ने अकेले ने नहीं बनाया। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बनाने वाला जो है परमेश्वर पिता है, पर जब बात आती है मनुष्य की, तो परमेश्वर पिता ने अकेले ने नहीं बोल के बनाया, पर प्रभु यहोवा ने हमें अपने हाथों से बनाया। प्रभु ने इसके पहले जो संसार बना, जो सुंदर है, उसे बोल करके बनाया, पर मनुष्य को प्रभु ने अपने हाथों से बनाया। जब प्रभु अपने हाथों से बना रहा था, उसके पहले परमेश्वर पिता ने डिस्कस करा कि हमें मनुष्य को बनाना है, कैसे बनाया। तो परमेश्वर ने इन दोनों को बुलाया, पर परमेश्वर अपने आत्मा को बुलाते हैं, पवित्र आत्मा को, और अपने पुत्र यीशु मसीह को बुलाते हैं, और इनके साथ में मिलकर के मिट्टी में हाथ डाल करके प्रभु ने मिट्टी को गुंथा, आकार दिया, फिर उसमें जीवन का श्वास फूंका। इस प्रकार से प्रभु ने आपको और मुझको बनाया, आपको बनाया। आपको ये बात मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आपको ये बात नहीं मालूम, तो आप बाइबल की पहली पुस्तक जो है, जिसको हम कहते हैं जेनेसिस, उत्पत्ति, आप इसमें पढ़ सकते हैं। उर्दू में इसे कहते हैं पैदाइश, ये पैदाइश के पुस्तक में आपको मिल जाएगा इसका जिक्र। जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने किसी के मुंह से सुना, या इधर उधर की बहस की बातें नहीं, पर ये तो बाइबल की बातों में से आपसे बात कर रहा हूँ। यदि आपको मुझ पर डाउट हो तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं। तो बाइबल में वाक्य करा गया है, प्रभु ने इंसान बनाया, प्रभु ने इंसान अपनी समानता में, अपने स्वरूप में। हमें प्रभु ने अपना रूप दिया है, प्रभु ने हमें अपनी सामर्थ्य दी। फिर प्रभु ने जैसे सारी सृष्टि को बनाया तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया, वैसे ही प्रभु ने हमें बनाने के बाद भी प्रभु ने आशीर्वाद दिया। पर प्रभु ने हमें क्या आशीर्वाद दिया, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे बाइबल अपनी अपनी, और ये उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे, तो आपको चैप्टर 1 और उसके 26 में, जी चैप्टर 1 वर्स 26, पढ़ दीजिए मेरे लिए क्या लिखा है उसमें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों। देखिए, अब प्रभु ने हमें अपने समानता में और अपने स्वरूप में बनाया, अब प्रभु हमें यहाँ पर आशीर्वाद देने जा रहे हैं। तो प्रभु देखो हमें कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा, वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। इन पांच चीजों पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया। आप मेरे साथ दोहराएंगे, मन ही मन दोहराएंगे तो भी चलेगा। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, घरेलू पशु, सारी पृथ्वी पर जो जीव जंतु है और जो पृथ्वी पर जो रेंगते हैं, इन सभी वस्तुओं पर प्रभु ने हमें क्या दिया, आशीर्वाद दिया।
ऐसा आशीर्वाद दिया कि हम इन सबों पर प्रभुता करें, हम इन सबों पर अधिकार रखें, ये सब हमारे वश में रहे। जी हाँ, क्योंकि प्रभु आपसे मुझसे क्या करता है पता है? प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि प्रभु ने हमसे ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पर अगर हम पूछे कि प्रभु ने हमसे प्रेम करा, ठीक है, समझ में आता है, और प्रभु ने हमें बनाया, हमें आशीर्वाद दिया, ठीक है, पर अपने बेटे को क्यों भेजा? अपने बेटे को भेजा, कौन है वो बेटा? वो बेटा है यीशु मसीह। आपको पता है जब प्रभु ने हमको बनाया, हम मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य बहुत सुंदर थे, हम बहुत इंजॉय करते थे, हमें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती थी, हमें खेती किसानी नहीं करनी पड़ती थी, हमें पढ़ाई लिखाई करनी नहीं पड़ती थी, हम इंजॉय करते थे, हम खूब खाते थे, हम आदन के बाग में साफ सफाई करते थे, रहते थे, प्रभु की हुजूरी में रहा करते थे, प्रभु हमसे मिलने आया करता था, हमें दर्द दुख नहीं था। पर क्या हो गया कि सर जो सांप होता है, शैतान, उस सर्प का रूप लेकर के आया मनुष्य के पास, हवा के पास, और उससे बहराने पुछताने लगा कि यदि तू ये फल खाएगी तो तू परमेश्वर की तुल्य हो जाएगी, तू परमेश्वर की बराबरी भी हो जाएगी। वो स्त्री भूल गई कि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है, उसे याद नहीं था। तो सब जो एडवर्टाइज करने लगा कि तू अगर ये फल खाएगी तो तेरी बुद्धि खुल जाएगी, तू टैलेंटेड हो जाएगी। कई बार हम भी ऐसे लालच में आ जाते ना, तुझे ये चाहिए तो तू ये कर ले, तुझे ये चाहिए तो तू ये कर ले, और हम कई बार वो कर लेते और हम फंस जाते हैं, है ना, होता है ना, क्या होता है, फिर हम अपने आप को कोसते हैं, हम खुद को बुरा वाला बोलते हैं और हम रोते हैं कि ऐसा मैंने नहीं करना चाहिए था। ऐसा ही हुआ, प्रभु ने आदम और हवा को बनाया था, प्रभु ने अधिकार दिया था कि हम सारी चीजों पर अधिकार रखें। बताइए, जो चीज हमारे वश में थी वो हमसे आकर के कहने लगा तू ये करेगी, तू ये करेगा तो तेरे साथ में ऐसा हो जाएगा, और हम मनुष्य ने क्या करा, फल खा लिया। जब हवा ने फल खाया तो उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, बाइबल बताती है ये कि उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, और अब उसने जो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी तो जो उसे आशीर्वाद में जो अधिकार मिले थे वो अधिकार उससे छीन लिए गए। अब ऐसा हो गया कि दुख आया, अब अब्राहम को खेती किसानी करनी पड़ रही थी, अब अब्राहम को पसीना बहाना पड़ता था खाने के लिए, अब हवा को दर्द होता था, अब सारी चीजों के लिए इनको दर्द होने लगा, अब सारी चीजों के लिए इन्हें मेहनत करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इनका अधिकार चला गया, इनको जो आशीष मिली थी वो चला गया, अब ये परमेश्वर से दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि परमेश्वर और इनके बीच में कोई संबंध नहीं रहा। तो प्रभु, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रभु आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है, देखिए कैसे प्रेम करता है मालूम पड़ता है, प्रभु ने सब कुछ बनाया, सृष्टि बनाए, जीव जंतु बनाए, पक्षी बनाए, मछलियां बनाए, सब कुछ बनाए, पर इनको आशीर्वाद क्या दिया कि तुम बढ़ो, और प्रभु ने हमको आशीर्वाद क्या दिया कि तुम इन सबों पर अधिकार रखो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया तो हमें प्रभु ने अपनी क्वालिटी दी, अधिकार रखने वाली क्वालिटी दी, पिता वाली क्वालिटी दी। पर जब हमसे गुनाह हुआ तो वो क्वालिटी हमसे चली गई, हमसे प्रभु का जो रिश्ता ऐसा था वो ऐसा दूर दूर हो गया, दूर दूर हो गया, इतना दूर हो गया। तो प्रभु ने क्या करा कि हमारे रिश्ते फिर से परमेश्वर के साथ ठीक हो जाए, तो प्रभु ने अपने बेटे को भेजा। जी हाँ, जिसके बारे में हम कह रहे थे, कौन है वो राजाओं का राजा? वही है वो राजाओं का राजा जिसको प्रभु यहोवा ने भेजा था। अगर आप मेरे साथ निकालोगे यशाया उसका 9, बाइबल में लिखा है यशाया 9 उसका 6 और 7, जी यहां पर उस राजा, उस पुत्र जो प्रभु का पुत्र है, जो प्रभु का एकलौता पुत्र है, जिसकी इमेज में हमको बनाया गया, जिसकी मदद से हमको बनाया गया, या कह लो जब हमें बनाया जा रहा था तो वो पुत्र वहां परमेश्वर के साथ था, ठीक है। तो प्रभु ने क्या करा कि हमारा और परमेश्वर का जो स्पेस बहुत ज्यादा था ना, तो उसे मिटाने के लिए, हमारी जो दूरियां ज्यादा थी उसे कम करने के लिए, ठीक है, वो अधिकार जो हमसे छीन लिए गए थे, गिर गए थे हमसे हमारे पाप की वजह से, वो फिर से हमें अधिकार मिले, तो प्रभु ने क्या करा, अपने बेटे को भेजा। तो ये अपने बेटे के बारे में प्रभु यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, अपने एक दास, अपने एक सेवक को, यशाया को प्रभु एक व्याख्या दे रहे कि ऐसा ऐसा होगा। जी पढ़िए मेरे साथ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हाँ, आपके और मेरे लिए बालक उत्पन्न हुआ। जी हमें एक पुत्र दिया गया है। वो पुत्र आपके और मेरे लिए दिया गया है जिसका नाम यीशु है, ये याद रखना, उसका नाम यीशु है, ठीक है। हम आगे आगे पढ़ेंगे उस यीशु की क्या क्या क्वालिटीज थी। और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। वाओ, कितनी कितनी सुंदर बात और कितनी प्यारी बात है ना,
कि अधिकार अब उसके कंधों पर है। जो अधिकार हमारे हाथों में था वो हमने गिरा दिया, तो प्रभु ने क्या करा, हमें एक पुत्र दिया और उस पुत्र के पास फिर से प्रभु ने प्रभुताएं भेजी पुत्र के द्वारा। ऐसा होता है ना कई बार कि बड़े भैया चॉकलेट गिरा देते हैं और मम्मी को बोलते हैं मम्मी मेरी चॉकलेट गिर गई, तो फिर मम्मी क्या करती है अपने दूसरे भाई को भेजती है, जा जा भैया को दे दो चॉकलेट, दीदी को भेजती है दीदी जाओ भैया को चॉकलेट दे आओ, ठीक है भैया की चॉकलेट गिर रही है आप ही चॉकलेट दे आओ। तो प्रभु ने बिल्कुल वैसा करा, हमसे प्रभुता गिर गई थी, हमसे प्रभुता चली गई थी, तो प्रभु ने एक बेटा एक पुत्र जो यीशु है उसे दिया आपके मेरे लिए। और बाइबल बताती है कि उसके कांधों पर वो अधिकार थे, प्रभुताएं थी, वो सारी चीजों पर प्रभुता रखता था, उसका होल्ड सारी चीजों पर था। जी आगे आगे देखेंगे क्या क्या था उसमें। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। हाँ उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पता है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला क्यों है, क्योंकि हम तो युक्ति नहीं कर पाए, जब हमें फल दिया गया, जब हवा को फल दिया गया, जब मनुष्य को फल दिया गया, तो मनुष्य समझ नहीं पाया, उसे समझ में नहीं आया कि वो ऑलरेडी परमेश्वर के तुल्य है, वो परमेश्वर की समानता में है, या उसे बनाने वाला खुद यहोवा परमेश्वर है। तो क्या यहोवा परमेश्वर जो इतनी सारी सृष्टि को बना सकता है, मनुष्य में कोई खोट रखेगा क्या? नहीं, जो इतना सब कुछ, इतने पशु पक्षी, इतने सुंदर सुंदर चीजें बना सकता है, वो मनुष्य को अपने हाथों से बना रहे, वो अपने हाथों की रचना इतनी गंदी तो नहीं बनाएगा, वो प्यारी बनाएगा, सुंदर बनाएगा, अद्भुत बनाएगा। तो हमें अद्भुत बनाया गया था, पर हम भूल गए थे कि हमें किसने बनाया, कैसे बनाया, ठीक है, क्योंकि हम युक्तियां नहीं, हम सोचते विचारते नहीं थे, हमें कोई काउंसिल करने वाला नहीं था। तो बाइबल बताती है कि वो जिसको भेजा वो सारी चीजों में माहिर था, वो सारी चीजों में निपुण था, उसके पास अधिकार थे, वो युक्तियां रखता था, उसके पास काउंसिलिंग की स्पिरिट थी। युक्तियां अद्भुत युक्ति करने वाला, उसको इंग्लिश में कहते हैं काउंसिलर, इज अ गुड काउंसिलर, वो काउंसिल करता है, वो हमें सिखाता है, वो समझाता है हमें कि हमारे लिए क्या उचित है क्या उचित नहीं है, जी, ताकि हम दोबारा गलती ना करें जो हमसे पहले हुई थी। और आगे आगे देखिए कि क्या क्वालिटीज थी यीशु मसीह में। अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जी वो पराक्रमी परमेश्वर है और वो शांति का राजकुमार हो, अनंत काल का पिता है। जी हाँ, अगर मैं उस यीशु की बात करूं तो यीशु मसीह को मैं राजाओं का राजा क्यों कह रहा था, ठीक है, मुझे राजाओं का राजा तो पिता को कहना चाहिए ना कि उसने अपने बेटे को भेजा, पर बाइबल बताती है कि वो तो राजा था, राजा होते हुए भी वो आपको और मुझे बचाने के लिए, जी हाँ आपको और मुझे बचाने के लिए, पता है क्यों बचाने के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर दूर जा रहे थे। अब परमेश्वर से दूर जाना, जो जीवन बनाता है, जो सारी सृष्टि को बनाता है, जो रचेता है, ठीक है, जो क्रिएशन करने वाला है, जो क्रिएटर है, हम उससे दूर जा रहे थे। तो हम कहाँ जा रहे थे, अंधेरे में जा रहे थे, जो उजियाला है, जो ज्योति है, हम उससे दूर जा रहे थे, हम अंधेरे में जा रहे थे, हम नरक में जा रहे थे। तो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, नाश हो जाए, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। तो प्रभु ने क्या करा, अपने एक लौते पुत्र जो आदि से है, जो अनादि काल के लिए है, जो अनंत काल का पिता है, जिसके कांधों पर प्रभुता है, ठीक है, उसने ये नहीं देखा कि मैं तो परमेश्वर हूँ, मैंने तो इस मनुष्य को बनाया, पर फिर भी क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, अपने बेटे को भेज दिया। और वो बेटा देखिए हमसे कितना प्यार करता है कि बेटा भी हमको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। जी हाँ, फिर उसने एक कुंवारी स्त्री के द्वारा, एक कुंवारी स्त्री से जन्म लिया, उसकी माता का नाम मरियम था, मरियम नाम की एक स्त्री से प्रभु पैदा हुए। जी मैं सही कह रहा हूँ, वो तो प्रभु का बेटा था, वो तो यीशु था, वो तो प्रभु था स्वयं में, वो राजा था, वो अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु था, वो पराक्रमी, और बाइबल बताती है उसके बारे में वो शांति का राजकुमार है और अनंत काल का पिता है, पर वो आपको और मुझे बचाने के लिए मनुष्य आपके और मेरे जैसे साधारण सा हो गया, आपके और मेरे जैसे एकदम दुख सुखी भोगी मनुष्य हो गया। अब उसको भी दर्द होता था, उसको भी पीड़ा होती थी, क्यों पता है, क्योंकि उसे आपको और मुझे बचाना था, तो हमें बचाने के लिए स्वर्ग छोड़ करके इस पृथ्वी पर आया कि हमारा हाथ पकड़े और पिता के पास ले जाए। और हमारा हाथ पकड़ के यीशु ही है जो पिता से हमें मिलाता है। जी बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने आप को दे करके आपका और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में कराया है। और ये कैसे हुआ, यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। आपको मैं बता रहा था कि सारी चीजें उसके हाथों में थी, वो प्रभुता रखता था, सारी चीजें उसकी बातें मानती थी। आपको पता है एक बार की बात है कि जब यीशु मसीह
प्रचार कर रहे थे तो ऐसा हो गया कि यीशु मसीह के पास ढेरों भीड़ आने लगी, ढेर सारी भीड़ आने लगी। तो यीशु मसीह ने क्या करा, नाव पर चढ़ गए, फिर वो नाव पर से प्रचार करने लगे। तो जब नाव से प्रचार करने लगे तो नाव किनारे पर थी और पब्लिक ढेर सारी थी, ढेर सारे लोग थे और प्रभु यहाँ से प्रचार कर रहे हैं। और आपको मालूम है वो कितना सामर्थी परमेश्वर है, तब माइक नहीं था, हाँ तब माइक नहीं था, तब ईयरफोन नहीं था, आप जो इतना प्यारा प्यारा ईयरफोन लगाए हुए हो तब वो तो ईयरफोन था ही नहीं। तो प्रभु बोलता था और हवा उसकी आवाज लेकर के कानों में जाती थी, लोगों के कानों में प्रभु का आवाज पहुंचाने का काम करती थी हवा है। एक एक जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो अपने एक शिष्य को कहते हैं कि दिन के कि अभी जाल डाल। आपको पता है वो चेला मछुआरा था, मछली पकड़ता था और उसने बहुत रात भर मछली पकड़ी, उससे मछली नहीं मिली। दिन का समय हो गया, दिन के समय मछली नहीं कोई पकड़ता, रात रात में मछली पकड़ते। तो प्रभु ने कहा अभी तुम मछली डाल और इधर मछली इधर जाल डाल। और जैसा प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि इधर जाल डाल, तो प्रभु के कहने पर ढेर सारी मछलियां आने लगी। एक समय की बात ऐसा है कि वो प्रभु अपने चेलों के साथ में उसी नाव पर लेटे हुए थे, सोए हुए थे और पानी में तूफान आ गया और ऐसा हुआ कि चेले घबरा गए। चेलों ने यीशु को उठाया, यीशु उठ उठ आप सोए क्यों हो। तो यीशु उठे और यीशु ने उस तूफान को धमकी दी, ठीक है, और तूफान थम गया। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, पता है कि वो यीशु इतना महान और इतना सामर्थी है जिसकी बातें हवा सुनती है, जिसकी बातें पेड़ पौधे पशु पक्षी सुनते हैं, जिसकी बातें पानी पृथ्वी ये सर्व जगत यीशु की बातें सुनती है। तो आप और मैं क्यों नहीं सुन सकते। देखिए वो तो परमेश्वर का बेटा है और वो हमारे बनाने के समय में था, पर आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर में एक करने के लिए उस धरती पर आया कि हम बचा लिए जाएं। सही कह रहा हूं मैं। तो प्रभु ने क्या करा, अपने बेटे को भेजा, वो बेटे ने क्या करा, अपने आप को दे दिया ताकि हम उसके कामों पर विश्वास करें, जैसा वो कहे हम वैसा करें और हमारे ताकि मेल हो जाए, हम फिर से परमेश्वर के साथ में एक हो जाए, ठीक है। तो हमें भी यीशु की बात माननी चाहिए, क्यों, क्योंकि यीशु इतना सामर्थी है कि यीशु की बात पानी मानता है, यीशु की बातें मछली मानती है, यीशु की बात पशु पक्षी मानती है। यीशु जब कहता है तो दुष्ट आत्माएं घबराती है, यीशु जब बोल देता है तो वैसा हो जाता है। आपको पता है एक बार यीशु मसीह ने एक मुर्दे को आवाज लगाई, हे लाजर बाहर निकला, और वो लाजर जो मर गया था, बाइबल बताती है कि वो लाजर में जान आ गई और जिंदा होकर के चलने लगा। जिसकी बात एक मुर्दा व्यक्ति सुनता है और यीशु के कमांड आज्ञा देने पर वैसा करने लगता है, तो आप और मैं तो जिंदा व्यक्ति है नहीं, हमने भी तो यीशु की बात माननी चाहिए। पर आपको पता है यीशु की बात कौन मानता है, यीशु की बात वही मानते हैं जो पिता के पुत्र है और पुत्रिया है। क्या आप पिता के पुत्र और पुत्रिया नहीं है? अगर नहीं है तो मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जिसको पिता ने भेजा है, जिसका नाम यीशु है, यीशु आपको जैसा जैसा बताए कि आप वैसा वैसा करते जाइएगा, तो क्या होगा, यीशु आपका हाथ पकड़ के आपको पिता के पास लेके जाएंगे और आपके और पिता की जो दूरियां है वो खत्म हो जाएगी और आप और पिता एक हो जाएंगे, आप और पिता एक हो जाएंगे। आपको एक कौन करेगा, यीशु करेगा। यीशु में ये सामर्थ है, यीशु में ये प्रभुता है। अब पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, जब वो यहाँ पर आए तो क्या करा, यीशु मसीह ने अपनी प्रभुता या अपना वो अपनी महिमा प्रभु ने हम मनुष्य को दे दी। जब वो प्रभु इस धरती पर आए तो धरती पर सिर्फ हमें परमेश्वर से एक करने के लिए नहीं आए, तो प्रभु बताते हैं क्योंकि हमसे सामर्थ्य गिर गई थी ना, तो क्या करा यीशु ने, वो प्रभुता लेकर के आए थे, वो खाली हाथ नहीं आए थे आपके और मेरे लिए, वो आपको और मुझे देने के लिए प्रभुता उसके कांधों पर लेकर के आए थे। और बाइबल बताती है कि यीशु ने आपको और मुझे वो प्रभुता दी है, पर वो प्रभुता कैसे ऑपरेट होती है पता है आपको, वो ताकत है, वो सामर्थ्य में हम कैसे ऑपरेट होते हैं, उसमें कैसे चलने लगते हैं पता है, हम प्रभु की सुनते हैं और जैसा प्रभु कहता हम करते हैं ना, तो हम भी बोलते हैं और वैसा होने लगता है। हम कह दे आज बारिश ना हो तो बारिश रुक जाती है, हम कह दे कि आज बारिश हो तो बारिश होने लगती है। ये कैसे होता है, हम जब यीशु की सुनते हैं तब ऐसा होने लगता है। आप चाहते हो कि आप जैसा बोले वैसा हो, आप चाहते हो कि आप जैसा सोचो वैसा हो, आप चाहते हो कि आप में यीशु की मानिंद सामर्थ और ताकत आए, तो आपको बस इतना करना पड़ेगा कि जैसा यीशु करता था आपको वैसा करना पड़ेगा। समझ रहे हो, क्योंकि यीशु जो है वो परमेश्वर था, वो मनुष्य के रूप में आया तो जरूर पर था तो वो परमेश्वर, ठीक है। प्रभु आप लोगों को इस बात से बड़ी आशीष दे। अगली कहानी में मैं आप लोगों को बताऊंगा यीशु मसीह के बड़े बड़े काम, जो यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो यीशु मसीह ने कैसे कैसे काम करे, हम इसको और गहराई से जानेंगे। आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जुड़े और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने इस लिंक को और लोगों के साथ में बांटा होगा।
और लोगों को आशीष मिली होगी, और अगर नहीं मिली होगी तो इसको दोबारा सुन लेना, आपको आशीष जरूर से मिलेगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ एक हो जाए, तो आप यीशु को फॉलो करने लगिएगा, यीशु मसीह की सुनने लगिएगा, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह मध्यस्थी कराने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह गुड काउंसिलर है, यीशु मसीह अच्छी शिक्षा देता है, यीशु मसीह अगर मेरा मेरी बीवी का अपना झगड़ा हो जाए, हम रुक जाए, अब रुक जाओ मेरे से थोड़ा सा, अब ये रुट गई है, तो यीशु मसीह में सामर्थ्य कि यीशु मसीह हमको फिर से एक करा देता है, हमें प्रेम भर देता है, यीशु मसीह में ताकत है, यीशु मसीह में कुवत है, यीशु मसीह में ये महिमा है, और वो महिमा यीशु हमें देना मांगता है। क्या आप लेना चाहते हो? तो बस इतना करना शुरू कर दीजिए कि जैसा वो यीशु कहना मांगता है वैसा आप सुनना शुरू कर दीजिए, जैसा वो कहता है वैसा कहना शुरू कर दीजिए, आप भी सामर्थ्य होने लगेंगे। आमीन। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष दे।